हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। और आज हम बात करेंगे क्लीनिंग की, कि आपको पता है पाकिस्तान में हमें हर तरह की हेल्प मिल जाती है और हम हर तरह से अपने आप को बड़ा ही कंफर्ट जोन में, काइंड ऑफ लग्जरीज में रहते हैं। बट जब आप अब्रॉड में होते हैं, आपके पास हाउस हेल्प नहीं होती है, ख़ास तौर पे इस लॉकडाउन के दौरान। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब्रॉड और पाकिस्तान का। हाँ, ये ड्रॉबैक तो है, मगर यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे काम करना भी मुश्किल नहीं है, सफाइयाँ मुश्किल नहीं है, आपको हर चीज़ की अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। तो मैंने इस सोचा कि मैं, मुझसे इतने लोग ये सवाल करते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ब्लॉग पे, अगर आप लोग नहीं फॉलो करते तो प्लीज़ काइंडली, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप लोग जाएँ और जाकर उसको फॉलो करें। आप वहाँ पर भी बहुत सारी डेली बेसिस की लिविंग रिलेटेड वीडियोस आपको स्टोरीज पर मिलेंगी और इंफॉर्मेशन मिलेगी इन स्पाइट ऑफ ब्लॉग्स। तो अब हम बात करते हैं क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग अभी इस टाइम पे मैं अपने किचन को कर रही हूँ, मैं सिंक धो चुकी हूँ, बट मैं आप लोगों को उसका भी बताती हूँ। आप घर यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट है, हम लोग अभी एक 1+1 अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं और यहाँ पे है कि थोड़ा सा भी खिला रहा हो तो बहुत मुश्किल होती है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए कि आप स्मार्ट क्लीनिंग कर सकें आसानी से, उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ वीडियो में कि किस तरह से मैं सफाई है। अगर आप सफाई ना करें और आप नंगे पैर घर में घूमें तो आपके पाँव के नीचे एक काली सी चिकनी मिट्टी लग जाती है, जिससे पाँव बहुत ख़राब होते हैं और आपको समझ आती है कि हाँ ये मिट्टी है, वैसी मिट्टी नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको जैसे मिट्टी की बात हो रही थी, तो मिट्टी से यह है कि यहाँ पर घर बिल्कुल बंद है सर्दियों में, तो मैं अगर डीप क्लीन भी करूँगी तो मेरा 2 से 3 दिन आराम से निकल जाता है। मैं ऊपर ऊपर से सफाई करती हूँ, बट मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन, डिपेंड करता है मेरे घर की सिचुएशन में कि क्या वो इतनी सफाई मांग रहा है नहीं मांग रहा, तो उस लिहाज से, उसके अंदाजे से फिर मैं जो हूँ सफाई करती हूँ। इस टाइम पे मैं अपना चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पे चूल्हे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक प्लेट है चूल्हे के तौर पे, मेरा गैस आग वाला चूल्हा नहीं है, और इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी फ़ौरन सफाई नहीं करेंगे तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा, इसकी प्लेट ख़राब होना शुरू हो जाएगी, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अभी मुझसे इस पर थोड़ा सा दूध उबल गया था, क्योंकि यहाँ पे एक ये भी इशू होता है कि मैंने दूध उबालने रखा और मैं किसी और काम में लग गई, यहाँ से नहीं होता इस पर, क्योंकि ये हीटर नीचे, हीटिंग प्लेट है, हीटर चल रहा है, आप चूल्हा बंद भी करेंगे तो वो गर्म होगा चूल्हा। तो जैसे ही अगर मैं थोड़ा सा मैं साइड पर हुई अपनी बेटी को देखने के लिए, तो पीछे से प्लेट गर्म थी और दूध उबल गया और मुझे फ़ौरन आके उसको सफाई करनी पड़ी। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपके पास, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा चूल्हा है, उसके लिए मैं जो हूँ ये 2 लिक्विड इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं आपको बाद में दिखाती भी हूँ। ये मैं सबसे पहले डालूँगी इसकी सरफेस पे, सबसे पहले मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये चीज़ें जो हैं, अभी जैसे ही दूध उबला था तो मैंने इसको फ़ौरन साफ़ किया। इसका स्पैचुला मिलता है, मेरे पास स्पैचुला नहीं था तो मैंने बहुत ध्यान से छुरी से ही इसको साफ़ किया ताकि इसमें स्क्रैच ना आए। मुझे इस घर में जब मैं शिफ्ट हुई थी इसका स्पैचुला नहीं था, आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्कल्पचर और इसकी वजह से थोड़ा आइडिया है कि मुझे किस तरह से यहाँ पे ये अप्लाई करना है, तो मैं उस लिहाज से इसको करती हूँ, मैंने वो नहीं ख़रीदा। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी इसका स्पैचुला ख़रीद लें आप लोग, ये करके छोड़ दो। ये मैंने इस पे केमिकल लगा दिया है और अब इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी ताकि इसके ऊपर जितनी भी ये डर्ट है, और ये देख लें कि इसमें सेंसर होता है, जैसे ही इनके बटन साइड पे थोड़ा सा भी गीला होगा तो फौरन सेंसर बजना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये थोड़ा सा स्टील वूल लूँगी, ये सॉफ्ट स्टील वूल है, हार्श वाली नहीं है, और इससे मैं बिल्कुल हल्के हाथों से ठीक
बिल्कुल हल्के हाथों से, आप लोगों ने जोर से नहीं करना, इस पे स्क्रैच नहीं पड़ने चाहिए। और ये मैंने इसको मैंने 5-7 मिनट छोड़ा है केमिकल को, जिसकी वजह से जितना भी इसमें डर्ट या गंध है वो सॉफ्ट हो गया है और वो आराम से निकल रहा है। ये नैपकिन सबसे ज्यादा काम आते हैं, आप इससे ये देखें, ये इसमें सारा ये गंद और डर्ट आना शुरू, ये देखें, ये जितना भी था जलावा या जो भी वो इसमें आना शुरू हो गया। ये देखें, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये क्लीन हो चुका है, लेकिन आप इसमें ये धब्बे देख रहे हैं घी के तेल के, तो उसके लिए ये वाली प्रोडक्ट है। आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रही, बट इस तरह के स्प्रेज मिलेंगे आप। इसी तरीके से पूरे उस पे लगाएं, ये सारी इसकी सरफेस से ग्रीस को खींच के इसको क्लीन कर देगा। इस तरह की अगर आप जाएं मीग्रोस पे, कारफोर पे, चेतन पे, किसी भी आप जगह जाएं, आपको ये वाली प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाएंगी। मुझे मिली थी और मैं ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छी है, बट आपको कोई भी मिल जाए सरफेस क्लीनिंग के लिए। देखिए मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है, मगर मुझे यहाँ पे इसके थोड़ी सी लग दिख रही है, तो उसको मैं मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बहुत ज्यादा छुरी इस्तेमाल करें। मैं ये बिल्कुल अपनी, ये मेरी ब्लंट छुरी है, ये मेरी बहुत ज्यादा तेज छुरी नहीं है। ये देखें, ये गाइस, अगर आप लोग इसको नहीं साफ करेंगे तो ये बिल्कुल ही जल जल के कोयला बन जाएगा और आपके चूल्हे की सरफेस भी खराब करेगा। आप लोगों को हमारे देसी खाने जरा ज्यादा आंच पे और ज्यादा देर पकते हैं, 2-2 मिनट में नहीं पकते। हमारा चूल्हा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो मुझे भी यहाँ आके जो मेरा लास्ट ईयर घर था उधर मेरे पास गैस वाला आग वाला चूल्हा था, यहाँ मुझे ये प्लेट मिली, तो मुझे भी इस पर एडजस्ट करने में टाइम लगा, लेकिन आप एडजस्ट कर जाएं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, मेरा चूल्हा साफ हो चुका है। आपकी ये चूल्हे की ये रोज़ सफाई मांगता है इस तरह की, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। इसके अलावा सिंक की सफाई मैं आपको दिखाती हूँ। सिंक में भी मैंने यही वाला, ये आप देख रहे हैं, ये मैं लेके आई हूँ प्रोडक्ट, तो बहुत ज़्यादा चलता है। ये दो प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, लैंग्वेज का इशू हो तो आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ। इस पर ये सिंक और चूल्हा बना हुआ था, मैंने इसको देख के ये लिया। ऑनेस्टली बताऊँ, ये सब कुछ यहाँ पे आपको इसमें सब कुछ टर्किश में लिखा मिलेगा।
इसके अलावा आप गूगल ट्रांसलेट जो है यूज़ करें ऐप, उसमें ऑप्शन है पिक्चर का। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें डाल दूंगी आप लोगों के लिए के साइट पे, अगर आप देखें कि इसमें आपने किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाके पिक्चर को करके आपने उस जगह को, जैसे ये लिखा हुआ फॉन्ट है इसको मैंने स्कैन किया उस पिक्चर में, तो वो ऑटोमेटिकली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा या किसी भी लैंग्वेज में आप चाहें तो। मेरे पास उस वक्त फ़ोन नहीं था, मैंने ये सिंक और ये चीज़ें देख के, तस्वीरें देख के ये प्रोडक्ट्स लीं और बहुत अच्छी हैं। अगर आपको हो तो आप लोग गूगल ट्रांसलेट पे या थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करके वहाँ के किसी भी स्टोर हेल्पर से बोल सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर देंगे इस चीज़ में। तो ये मैंने लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सिंक मैंने कैसे क्लीन किया है। ये मैंने अपना सिंक पूरा क्लीन करके अपने अभी बर्तन धो के रखे हैं, मेरे ड्राई हो रहे हैं बर्तन मोस्टली। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन डिश वॉशर का भी है, डिश वॉशर इज़ बेटर देन हैंड वॉशिंग। आप हाथों से धोएंगे बर्तन तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है डिश वॉशर की तरह, लेकिन मेरे पास बर्तन सिर्फ 3-4 थे, मैं उसके लिए डिश वॉशर घंटे के लिए नहीं चलाना चाह रही थी। इसमें ये एक ऑप्शन है, इसको प्लीज़ साफ़ करें, और ये इसलिए यहाँ पे लगा रहता है कि जब भी मैं, क्योंकि हमारे देसियों के खाने इस तरह के होते हैं कि उसमें प्याज टमाटर और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो चली जाती हैं पाइप में, अगर आप ये लगाएंगे इसको पूरा बंद करेंगे तो पूरा ये भर जाएगा पानी को, ये बिल्कुल क्लॉक कर देगा। अगर आप देखें इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो पानी जाता रहेगा लेकिन जितना भी कचरा है वो इसमें जाएगा। तो इसके बाद जब ये आप कर लेंगे तो प्लीज़ इसको भी इसी केमिकल से, ये जो मैंने आपको भी केमिकल दिखाया है मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, इससे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल के इसको छोड़ दिया। जब ये मैंने डाल के इसको छोड़ दिया, आप इसको 5-7 मिनट छोड़ दें, उसके बाद मैंने सिंपल ये स्पॉन्ज अलग से रखे हुए हैं, ये देखें कितना गंदा हुआ है क्योंकि मैंने इसको अभी इसके नीचे से और यहाँ से साफ़ किया है, और इससे स्मेल भी इसकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद मैंने सिंपल एक स्पॉन्ज, मैंने ये अलग अलग करके रखे हुए हैं, मैंने इनको साथ के साथ ही कम्प्लीट साफ़ करके और इसको मैंने धो के मेरा स्किन मेरा सिंक अब सॉरी देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ये हो गई मेरी किचन की सफाई, ये हो गई मेरी किचन की सफाई अभी तक की, क्योंकि यहाँ पे मेरा किचन इतना ही है कि चूल्हा और सिंक, इसके अलावा जो सेंटर में ये सरफेस है मेरी वाइट स्लैब है, इसके अलावा ये वाली स्लैब है मेरी इस तरह की दोनों तरफ चूल्हे के, दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा है। तो इसको साफ करने के लिए सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है, हम लोगों के जो देसी खाने हैं उसमें हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उस हल्दी के दाग और जब हम चाय बनाते हैं तो वो चाय की धब्बे इस वाइट सरफेस पे पड़ते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा निशान रह जाते हैं। तो आप लोगों ने उससे घबराना नहीं है, उसका भी हल यहाँ पर बहुत आसान है। यही वाला लिक्विड है, इसको मैं डाल के 5-7 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, वो सारा कुछ इसका क्लीन कर देता है, और आप ये देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरी स्लैब है। टाइम भी आपने इसको क्लीन करना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, आप छोड़ते रहेंगे दाग पक्का होता रहेगा तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही तरीका मैं अपने ये किचन की दीवारों पे भी करती हूँ, जो मेरे मार्बल की दीवारें हैं, इसी प्रोडक्ट से, ये एक प्रोडक्ट से ही मेरा ये पूरा किचन नीट एंड क्लीन रहता है और बिल्कुल नया रहता है, जैसे इधर किसी ने कभी काम ना किया हो। तो बस यही है मेरे किचन की क्लीनिंग अभी तक की, अब मैं आपको बता दूँ। सो गाइस, ये थी मेरी अभी तक की सारी किचन की डीप क्लीनिंग, मैंने आप लोगों को बता दिया सारी चीज़ें यहाँ पे, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं कि किस तरीके से यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भी वक्त लगे तो मुझे अपना किचन साफ़ करने में 30 मिनट लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं मल्टीटास्किंग करके सारे काम साथ साथ कर लेती हूँ और आपका घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। यहाँ घरों का साफ़ रहना शायद आदत इस वजह से यहाँ के लोगों को ज़्यादा साफ़ रखने की है, क्योंकि घर छोटे हैं कॉम्पैक्ट हैं, दूसरा कोई और हेल्प नहीं है, अगर हम गंद बढ़ाते रहेंगे तो अपने लिए मुश्किल बनाते रहेंगे। तो ये थी मेरी किचन क्लीनिंग, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।